गुड मॉर्निंग यूके जी। नाउ ओपन योर ग्रामर बुक। ओके, दिस इज योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 44। बेटा कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इधर जो चीजें हैं आपके नजदीक हैं और इधर जो है वो आपके दूर हैं। यदि कोई चीज आपके लिए नजदीक होती है और आपके नजदीक है चीज और आपको कहना है, फॉर एग्जाम्पल ये काऊ है, आपको कहना है कि यह एक गाय है, तो आप कहेंगे दिस इज अ काऊ। यदि वो काऊ आपसे दूर है तो फिर आप नहीं कह सकते कि दिस इज अ काऊ, तब आपको कहना होगा दैट इज अ काऊ, वह एक गाय है। कोई चीज आपके नजदीक है तो आप यह कहते हैं, THIS दिस वर्ड का यूज करते हैं। और कोई चीज आपसे दूर है तो आप वह कह के बात करते हैं और THAT दैट वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग फिल करेंगे। इधर के सारे पिक्चर्स हमारे नजदीक हैं और इधर वाले दूर हैं, तो इधर वाले पिक्चर्स में हम दिस का यूज करेंगे और इधर दैट का। देखिए दिस इज अ काउ, THIS दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। फिर इधर आइए THAT दैट इज अ काउ, वह एक गाय है। अब देखिए बेटा ये हॉर्स से आपके नजदीक है, बोलिए दिस इज अ हॉर्स, यह एक हॉर्स है। ये दूर है, दैट इज अ हॉर्स, वह एक हॉर्स है। अब आइए बेटा रिवर है, दिस इज अ रिवर, यह एक रिवर है। और दैट इज अ रिवर, वह एक रिवर। एक बार रीडिंग करेंगे पूरा हम लोग। दिस इज अ काउ, दैट इज अ काउ, दिस इज अ हॉर्स, दैट इज अ हॉर्स, दिस इज अ रिवर, दैट इज अ रिवर। बेटा बुक में इसको कंप्लीट करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और डायरी में होमवर्क इस तरह से आपको नोट करना है। LKG में भी आप लोगों ने होमवर्क नोट करना सीखा है, फिर भी बताया जा रहा है। देखिए कैसे होमवर्क है, यहाँ पे डेट है 16/12/20, ग्रामर बुक पेज 44, डू इन बुक प्राइमर पेज 36, फ्रॉम होल टू कोन रीड एंड राइट इन कॉपी हिंदी पेज 32, एक्सरसाइज 2 and 4, डू इन बुक। और ये बेटा मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये आपका होमवर्क है। और ये वीडियो के साथ होमवर्क ये आपको दिया गया है, बताया गया है। और आप लोग जरूर से डायरी मेंटेन करिए, जो कि बहुत से बच्चों ने नहीं किया है मेंटेन, और पेरेंट्स भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके बेटा।